गार्डन टाउन अंडरपास में ईंटों से भरी ट्रॉली उलट गई है। हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शाहजेब शहजाद से। शाहजेब, ये अफसोसनाक वाकया कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, गार्डन टाउन अंडरपास में के नीचे जो है वो ट्रैक्टर ट्राली जो कि ईंटों से भरी हुई थी वो उलट गई है, जिसके दौरान जो है वो 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं, जिसमें एक 8 साल बच्चा भी शामिल है, जिसको रेस्क्यू की मदद से फौरी तौर पर जख्मियों को सर्विसेज हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है, जो वहाँ पे जेरे इलाज है। अलबत्ता पुलिस जो है वो जाए वकुआ पर पहुंच गई है और वहाँ पे जो है वो ट्रैक्टर को सीधा करना शुरू कर दिया है। ट्रैक्टर की वजह से, ट्रैक्टर उलटने की वजह से काफी ज्यादा जो ट्रैफिक रवानगी है वो भी ज्यादा मुतासिर हुई है। अलबत्ता जख्मी अभी भी जेरे इलाज है अस्पताल में और पुलिस ने जो है वो जो ट्रक ड्राइवर था उसको भी अपनी हिरासत में ले ली और उस पर मजीद तफ्तीश का आगाज जो है वो कर दिया है। शाहजेब, बुनियादी वजह क्या बनी इस हादसे की, कुछ पता चल सका? आईनी शाहिदीन कुछ बताते हैं। जी बिल्कुल, ये बताया जा रहा था जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि ट्रैक्टर के जो टायर थे वो काफी ज्यादा कमजोर थे और उस ट्रैक्टर के ऊपर ईंटों का जो लोड था वो बहुत ज्यादा था। ट्रैक्टर की रफ्तार भी काफी तेज थी, जब वहां से उसने यू टर्न करने की कोशिश की तो वो ट्रैक्टर जो था वहां पे उलट गया, जिसकी वजह से ये अफसोसनाक हादसा जो है वो पेश आया। इजाफी बोझ डाला गया तो ट्रैक्टर के टायर बर्दाश्त ना कर सके। शुक्रिया शाहजेब शहजाद।